नमस्कार, मैं हूं शेख जूही। आप देख रहे हैं खबर दिनभर। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की। राजस्थान में ग्रेजुएशन लेवल पर सीईटी परीक्षा प्रदेश भर में आयोजित की जा रही है। ऐसे में छात्र परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर से कोटा आए अक्षय मोदी पर गुरुवार रात कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें छात्र पूरी तरह घायल हो गया और उसे इलाज के लिए MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के बेटे का गाड़ी चलाते एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे लेकर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने जयपुर पुलिस के स्पॉट पर अपना स्टैंड क्लियर किया। बेरवा ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बच्चों का गाड़ी में बैठकर घूमना गलत बात नहीं है। मेरा बेटा सीनियर स्कूल में पढ़ता है, वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ गया था। मेरा बेटा तो अभी तक 18 साल का भी नहीं हुआ है। बेटे को कोई गाड़ी स्पॉट नहीं कर रही थी, बल्कि वो गाड़ी सुरक्षा में पीछे पीछे चल रही थी। इससे अगर कोई बेवजह तूल देता है तो उसकी मर्जी। जयपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट की बिल्डिंग में शुक्रवार सुबह संविदा कर्मी मनीष कुमार सैनी ने सुसाइड कर लिया। अशोकनगर थाने की पुलिस को बिल्डिंग के बी ब्लॉक में तीसरी मंजिल से मनीष का शव बरामद हुआ, जिसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकारी स्कूल में अव्यवस्थाओं की शिकायतें आए दिन सामने आती है। कभी भवन के जर्जर हालत तो कभी जाने के लिए रास्ता ना होना। ऐसी तमाम परेशानियों के कारण सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर कभी कभी ये परेशानी उग्र रूप ले लेती है। शुक्रवार को ऐसा ही रूप उदयपुर के झडोला तहसील में देखने को मिला। यहाँ छात्रों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एक सरकारी स्कूल में तालाबंदी कर दी और फिर सड़क पर टायर में आग लगाकर रास्ता जाम कर दिया। मौके पर पुलिस और प्रशासन पहुंचा, तब जाकर मामला शांत हुआ। गुरुवार रात जैसलमेर में हुई घटना ने हर किसी को दहशत में डाल दिया। जैसलमेर के सोनर किला में संदिग्ध डायरी और अन्य कुछ सामान मिलने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि किले के अंदर दशहरा चौक में एक संदिग्ध डायरी मिली है, साथ ही एक मोबाइल फोन के डिब्बे में कुछ अन्य सामान भी बरामद हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी सिक्का, राशन कार्ड, किसी शादी का एक फोटो इत्यादि सामान शामिल है। शिक्षा के मंदिर में टीचर बच्चों का अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन भरतपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में टीचर्स खुद अनुशासन भूल गए और छात्रों से मारपीट के साथ गाली गलौज करने का मामला सामने आया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जिला कलेक्टर के सामने चल रहे न्यू मथुरा गेट महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के कक्षा 7वीं और 8वीं के करीब एक दर्जन से ज्यादा बच्चे मारपीट की शिकायत लेकर SDM दफ्तर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने महानानी के एक मामले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। बता दूं, दोनों नेताओं ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें वोटर्स लिस्ट से 30 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से कटवाने का आरोप लगाया था। इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार कर रहे गोविंद सिंह डोटासरा अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इसी दौरान गुरुवार को हरियाणा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि जैसा हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच सीएम बनने की खींचतान चल रही है, ऐसी लड़ाई राजस्थान में पायलट गहलोत के बीच में भी तो होती है। पत्रकार के सवाल पर गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि लड़ाई नहीं होती, उनके मन में होता है कि मैं बनूं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आलाकमान तय करता है, बाद में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने सबने माना। हरियाणा के रेवाड़ी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि राहुल बाबा को अभी किसी NGO ने पकड़ा दिया है कि MSP बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, MSP का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? पूरे देश में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, वो MSP के नाम पर किसानों से झूठ बोलना बंद करे। मैं आज यहाँ इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूँ, भाजपा की हरियाणा सरकार MSP दामों पर 24 फसलें खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 की 24 फसलें खरीदती है? मुदा केस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि कानून अपना काम करेगा, मुदा के लोग जो चाहे वो कार्रवाई कर सकते हैं। यह अवश्य नहीं है कि सरकार इसका जवाब दे, क्योंकि वहां एक स्वतंत्र निकाय है, वो कार्रवाई कर सकते हैं, ये एक बात है। अगर सिद्धरामैया ने व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध किया है तो वो जिम्मेदार है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है, ये उचित नहीं है। उनके पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं बनता।
आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।